रामनगरी अयोध्या में समग्र विकास के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ग्लोबल कंसल्टेंट की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने विज्ञापन भी जारी किया है। आज अयोध्या के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर सकते हैं। अयोध्या के समग्र विकास योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी पहले समीक्षा करेंगे, उसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समीक्षा कर सकते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी और अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह को लखनऊ बुलाया गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने अयोध्या के समग्र विकास योजनाओं में अभी तक क्या हुआ है, इसको लेकर एडीए के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को लखनऊ बुलाया गया। वहीं उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया, अयोध्या के समग्र विकास को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट का सहयोग लेने के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। जल्द ही ग्लोबल कंसल्टेंट अयोध्या में नियुक्त किया जाएगा, जो अयोध्या के 153 स्क्वायर किलोमीटर के विकास क्षेत्र को विकसित करने का काम करेगा। अयोध्या में चल रही विकास की योजनाओं को एक दूसरे से जोड़कर अयोध्या का विकास किया जाएगा। अयोध्या के विकास में पौराणिक महत्व को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय कल्चर कैपिटल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे 11 एकड़ में नव अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद मिलकर संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। अयोध्या की नव अयोध्या को धनुष आकार में या वैदिक सिटी के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 7 DPR भी तैयार किया गया है। 1100 एकड़ में तैयार होने वाली नव अयोध्या में होटल, हॉस्पिटल, मठ, मंदिर, स्कूल, रहने के लिए आवासीय प्लॉट, आवासीय कॉलोनी और तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अयोध्या के विकास को लेकर जो परियोजनाएं शासन द्वारा निर्धारित की जा रही है और जो प्रयास है, उसमें एक समग्र विकास का खाका खींचा जाना है, ताकि जो भी निर्माण या जो भी विकास की परियोजनाएं बनाई जाएं, उनका सबका समेकित लाभ जनता को और श्रद्धालुओं को मिल सके। इस दिशा में आवास विभाग द्वारा जो नव अयोध्या परियोजना बनाई जा रही थी, उसके साथ साथ अन्य सारी जो परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, उन सभी को शामिल करते हुए अयोध्या के विकास के लिए एक EOI का फ्लोट किया गया है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट का चयन करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से पूरे अयोध्या के विकास का एक खाका खींचा जाएगा और उसके अनुसार ही हम फिर आगे जो यहाँ पर विकास की योजनाएं होंगी उनको उसमें शामिल करेंगे। एक योजना का दूसरी योजना के साथ तारतम्य टूटने ना पाए और एक योजना से दूसरी योजना का जहाँ तक हो सके डवटेलिंग की जाए, कि जो भी लाभ हों वो अनवरत रूप से श्रद्धालुओं को प्राप्त हों, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। अयोध्या के विकास के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की अपेक्षा है कि हम लोग जो इसका एक पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसका हर कार्य में हर स्टेप पर ध्यान रखा जाए, ताकि जो रंग निकल कर आए, जो चीज़ उभर कर आए, वो अयोध्या की पौराणिकता के समान हो और यहाँ के जो महत्व है उसके समान हो और एक अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल कैपिटल और टूरिस्ट के हिसाब से और धर्म के हिसाब से एक रिलीजियस कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आए। सर, जो कंसल्टेंट जो अभी एक टेंडर किया गया था, वो टेंडर क्या है और कितने लोग उसमें प्रतिभाग किए? अभी टेंडर EOI किया गया है, टेंडर नहीं है, वो रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके आधार पर हमको कंसल्टेंट का चयन करना है विकास प्राधिकरण को, और उसके लिए अभी तक जो पार्टिसिपेशन की डेट चुकी हुई चल रही है टेंडर की, तो विभिन्न स्तरों से हमें और विभिन्न जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें टेंडर में, उनके द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है या अपेक्षाएँ जो उनकी हैं कि अगर ऐसा ना होकर ऐसा हो तो बेहतर होगा, तो उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस पूरी EOI की प्रोसेस का अप्रूवल होना है, इसके लिए भी एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक कल माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में रखी गई है। उस बैठक में भी हम लोग पूरे EOI का प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद विभिन्न विभागों से प्राप्त तो होने वाले सुझाव तथा जो बिडर्स होंगे उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उनको सबको शामिल करते हुए प्रीबिड मीटिंग की जाएगी, जिसमें कि अब संशोधित डॉक्यूमेंट अगर कोई बन के आता है तो उसको फाइनल किया जाएगा और उसको फ्लोट किया जाएगा। सर, उनका काम क्या होगा, वो क्या करेंगे जिनको आप कर रहे हैं और उनकी योग्यता क्या रहेगी, मतलब किस तरीके से? योग्यताओं का विवरण पूरा दिया गया है EOI में। मैं उसमें काम क्या होगा इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जो अभी कोर एरिया है हमारा अयोध्या का, जो लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा एरिया है, जिसमें अयोध्या और फैजाबाद दोनों जगह का जो विकसित क्षेत्र है अभी वर्तमान में,
उसको हम लोग कोर एरिया मानते हुए उसके विकास का पूरा खाका खींचा जाना होगा, चूंकि वो बिल्टअप एरिया है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोस्टली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। उसके साथ साथ फिर अब एक पेरिफेरल एरिया जो विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल 384 क्षेत्र स्क्वायर किलोमीटर का पहले था, उसको ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में भी इंटेंसिव एक्टिविटी होगी और आने वाले समय में जैसा कि अयोध्या का महत्व है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके आसपास के क्षेत्र को भी क्षेत्रों का भी विकास होगा, तो इस एरिया में भी इंटेंस एक्टिविटी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और जो वहाँ की आवश्यकताएँ होंगी आने वाले समय में, उसके हिसाब से उस पूरे एरिया का कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, किस अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के आधार पर, इनका एक खाका खींचा जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा ओवरऑल एक अयोध्या का जो आस्था क्षेत्र है, जिसको 853 किलोमीटर का या जिसको बोल हुआ है क्षेत्रफल नया अभी कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, उसमें भी देखा जाएगा कि यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो भी उसमें सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करने से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बेहतर होगा। और इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो चौथा जो नव अयोध्या परियोजना है उसको किस आधार पर विकसित किया जा सकता है कि धनुष के आकार की होगी या वैदिक स्थिति के रूप में होगी, इस चीज़ का भी एक सजेशन उनके द्वारा दिया जाएगा हमको। और इसके साथ जो एक सारी विकास की परियोजनाओं को एक साथ जोड़ने वाली बात होगी और 7 DPR भी उस EOI में सेलेक्ट होने वाले कंसल्टेंट को बनानी पड़ेगी RFP के अनुसार आगे जो फ्लोट करेंगे, और इसके बाद ही हम ग्राउंड पर काम शुरू करेंगे, इसका तैयारी की जा रही है। सर इसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी लोग इसमें आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एसेंशियली ग्लोबल बिड है, जो भी कंसल्टेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है और जैसा कि कार्य की जो अनुभव है कार्य में, जो उस कार्य करने के लिए संपादित करने के लिए जिस तरह के हमें एक्सपर्टीज चाहिए होंगी वो शायद बहुत छोटी संस्थाओं के पास नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करने की बात कर रहे हैं। आधार चूंकि जो रखा गया है सिलेक्शन का, तो आज के दिन में सभी इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनीज या आर्किटेक्चरल कंपनीज या जो सिटी डेवलपमेंट के कंसल्टेंट्स हैं वो सारी भारत में भी मौजूद हैं, तो उनका एक ऑफिस यहाँ पर अभी सबका एक ऑफिस भी है यहाँ पर। तो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट कहने का अर्थ ये है कि जो ऐसे लोग जिनको अनुभव बहुत ज़्यादा हो और बहुत बड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स भी किए हों, और ऐसे लोगों को हम